Hello students, welcome to NCERT Solutions where we are solving the question of chapter structure of an atom and here we are going to solve question number 2.47 which is related to electromagnetic radiation basics जहाँ पर हम wavelength, frequency, wave number and velocity की calculations करते हैं. तो यहाँ पर neon gas given है जो sign boards में use होती है, उसकी एक wavelength given है 616 nanometer, nanometers मतलब 9, 616 × 10⁻⁹ meter. तो पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला से. सी इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू 616 × 10⁻⁹ मीटर गिवन है. तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड पर सेकेंड बचेगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट एंड इट कम्स आउट टू बी 4.87 × 10⁴. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. फर्स्ट पार्ट इज डन वेरी इजीली. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेडिएशन इन 3 सेकेंड. तो सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी क्या है, 3 × 10⁸, और टाइम कितना दे रखा है, दैट इज 30 सेकेंड्स. सो मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गेटिंग 9 × 10⁹. ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस, कितना ईजी था. नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ क्वांटम. एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज होता है E इज इक्वल टू एच न्यू. H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, H पॉइंट 6.3626 × 10⁻³⁴. एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करी थी, ये वाली 4.87 × 10⁴. एंड ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 3.22 × 10⁻¹. अब ये एनर्जी है एक क्वांटम की, ये एनर्जी है एक क्वांटम की. अगर हमारे पास डबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो क्वांटा, सो मतलब इसको यूनिटरी मेथड लगेगा. अब क्या कर सकते हैं, अगर 3.22 × 10⁹ जाउल जो एनर्जी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1. यहाँ पर 1 जाउल ये है 1 क्वांटा के लिए. सो अगर मेरे पास 2 क्वांटाज हो तो कितनी लगेगी, सो ये आ जाएगी यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1/3.22 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाइड बाई 2. And when you divide these, you are getting the value 6.22 × 10⁸ photons. Okay, so ये value आपके पास रहती है if you find it out in terms of photon. Okay, so this is how you solve these kind of questions. काफी आसान calculations हैं इनकी and these are very easy to do यहाँ पर. So यहाँ पर सिर्फ आपको basic formulas पता हो, E is equal to h nu, या वहाँ पर distance upon time, या frequency का formula. These are the questions which are very easy to solve. I hope this is clear to everyone. Thank you so much for watching.